ओ लोगों, ओ नबियों के दरों पे जाने वालों, नबियों से बेटा बेटी मांगने वालों, नबियों से बारिश और औलाद मांगने वालों, सुनो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास परेशानी आई तो उन्होंने अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी है, उन्होंने अपनी बात अल्लाह से रखी है। जब तुम्हारे पैगंबर दुनिया में आने वाले नबी अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी परेशानियों को वो कैसे दूर करेंगे। अल्लाह ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, अल्लाह ताला ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान जो उन्हीं की आंखों के सामने डूब के मर जाता है, जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया, वो लड़का पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे मेरी कश्ती पे सवार हो जा, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आ जा, मेरे रब ने मुझे जो दीन दिया है उस पर ईमान ले आ, मेरी शरण में आ जा, नेक लोगों में शामिल हो जा, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। कहने लगा मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, यहां तक पानी नहीं आएगा। नहीं, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आज हर नाफरमान को, हर काफिर और मुशरिक को आज सजा मिलेगी। वो नहीं माना, यहां तक के वो पानी पहाड़ तक पहुंचा, गर्क होने लगा, डुबकियां मारने लगा, उनका बेटा डूबने लगा। बाप और बेटे के दरमियान जो फितरी मोहब्बत होती है वो जोश में आ गई, जोश में आ गई, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चीख दिया, अय मेरे रब मेरा बेटा, अय अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया, फरमाया आए नूह ऐसी बातें मत जबान से निकालो जिसका इल्म तुम्हें नहीं है, तुम जिसको अपने अहलोयाल का कह रहे हो, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहलोयाल से नहीं है, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, मरने दो से, मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। आज कह दिया बेटा, आइंदा कभी अपनी जबान से उसको बेटा मत कहना। गौर करो, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब के मर जाता है, गर्क हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए, पुकारा भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ भी कबूल नहीं की। ये जाहिर है अल्लाह पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है और अल्लाह के ऊपर कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता है। दुआ मांगने का इख्तियार सबको है, लेकिन कबूल करना न करना ये उसकी मर्जी पर डिपेंड है। वो चाहे तो एक मजबूर और एक मजदूर की दुआ सुन ले, वो चाहे तो गार में फंसे हुए तीन लोगों की दुआओं को सुन ले, और वो चाहे तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को भी रिजेक्ट कर दे, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, वो हर चीज पर कादिर है। मेरे प्यारे साथियों, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबता हुआ देखते रहे और नहीं बचा पाए। नूह का ये वाकया और नूह के बेटे का मर जाना चीख चीख के बता रहा है कि नबियों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है, रसूलों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है। आए नबियों और पीरों और वलियों को सब मुख्तारे कुल समझने वालों, जब नबी अपने बेटे को नहीं बचा सके तो आपकी मुसीबतें क्या दूर करेंगे। ये नबियों की जिंदगी हमें बतला रही है, ये नबियों की सीरत हमें बतला रही है कि सुनो, तौहीद तुम्हारी उस वक्त और मजबूत हो जाएगी जब तुम नबियों की जिंदगी पढ़ोगे। गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया तो बुतों को तोड़ देने के पादाश में नमरूद ने आग लगवाई, लकड़ियां इकट्ठा की गई, बहुत बड़ी आग लगाई गई, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में डाला जाना है, झूला डाल दिया गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान पे नजर डाली, अय अल्लाह अगर वाकई मैं तेरे रास्ते पे हूं और तौहीद पे हूं तो तू मेरी हिफाजत फरमा, अय अल्लाह मुझे बचा। इधर नमरूद ने आग में डाला, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया, कुल्ला या नारू कूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहीम, आए आग तेरा काम जलाना है लेकिन तू मेरे हुक्म से जलती है, लेकिन आज
मेरा बंदा तेरी गोद में आया है, तेरी आगोश में आया है। आज तू अपनी फितरत बदल दे, आज तू अपनी कशिश बदल दे। आज तेरा काम जलाना नहीं है, आज तेरा काम फूल बन जाना है, आज गुले गुलजार बन जाना है, मेरे बंदे इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जाना है। आज तेरे अंदर से जलने की सिफत खत्म हो गई, आज तू मेरे बंदे पर सलामती वाली हो जा। कून बर्दन सलामती, और ठंडा नहीं कहा, सलामन भी कह दिया। इतनी ठंडी, अगर ठंडा कह देता अल्लाह आयात ठंडी हो जा तो इतनी ठंडी हो सकती थी कि बर्फ़ से भी ज़्यादा। इसलिए कहा ज़्यादा इंसान को गर्मी अगर नुकसान पहुंचाती है तो ज़्यादा ठंडक भी तकलीफ़ देती है। इसलिए कहा ठंडी तो हो जा, बुझ तो जा, लेकिन इतनी ठंडी मत होना कि मेरे बंदे इब्राहिम को तकलीफ़ हो। सलामती वाली, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, मोतदिल और बीच वाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को नमरूद के अजाब से नहीं बचा पा रहे हैं, अपने रब को पुकार रहे हैं। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया कि देखो हमने उनके बेटे यूसुफ को छीना, मुख्तलिफ मराहिल से बेटा गुजरा, उसके भाइयों ही ने उसको कुएं में फेंक दिया, यूसुफ का कुर्ता उतार के किसी बकरी का खून लगा के ले आए और अपने बाप याकूब से कह दिया कि हम लोग खेल में तमाशे में मस्त हो गए, और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया और यूसुफ को भेड़िया कहा गया। कई साल तक याकूब रोते रहे और अल्लाह से फरियाद करते रहे कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह ने कहा याकूब तुमने मुझसे बेटा मांगा है, मुझे पुकारा है, मेरे आस्ताने पे दस्तक दी है, इसलिए अब तुम्हारा बेटा भी मैं तुम्हें लौटाऊंगा। तुम बेटे की जुदाई में इतना रोए हो, इतना रोए हो कि रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी और बीनाई चली गई। पहले हम तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटाएंगे, उसके बाद तुम्हारे बेटे को वापस करेंगे। और तुम्हारा बेटा जब हमने छीना था तो कमजोरी की हालत में छीना था, लेकिन जब तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस करेंगे तो उसको नबी बनाकर वापस करेंगे और उसको एक मुल्क का बादशाह बनाकर वापस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, बादशाह मिस्र बनाकर उनको वापस कर दिया गया। गौर करो, जहां पर अजीज मिस्र बैठा करता था वहां पर आज यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे, और इस हाल में बाप से बेटे को मिलवाया। याकूब पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। इब्राहिम पर परेशानी आई, अपने रब को पुकारा। हजरत जकरिया पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, समंदर का सफर कर रहे हैं, कश्ती उलट जाती है, मछली निकल जाती है, मछली के पेट के अंदर वो अपने रब को पुकार रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन, रब को पुकार रहे हैं। नबियों की पूरी जिंदगी उठा के देख लो, अल्लाह ने जितने भी नबियों का नाम लिया उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया और ये मैसेज दे दिया, नबी भी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पाए तो नबियों के बाद आने वाले तुम्हारी परेशानियां दूर करेंगे। थोड़ी सी अकल पर आदमी जोर दे दे तो बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अकल पर जोर देने ही कब दिया जाता है? अकल पर जोर नहीं देने दिया जाता। कह दिया जाता कुरान नहीं पढ़ना जानते हो तो सीखो ही मत, पढ़ने की जरूरत क्या है? आप ताज्जुब करेंगे, मुबारकपुर के एक मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है, जो फतवा दे दिया बाकायदा कि जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते उनको सीखने की जरूरत नहीं, कुरान खोल कर सिर्फ अपनी उंगली कुरान के हरूफ पर चलाते रहें, अल्लाह उनको सवाब देता रहेगा। ये फतवा छपा है, उंगली चलाते रहें अल्लाह सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है। जब नियत ही तुम्हारी है कि हम सीखेंगे ही नहीं तो सवाब मिलेगा? जब तुम्हारी नियत ही है कि हम उंगली चलाते रहें बस, सीखना है ही नहीं तो सवाब मिलेगा? ठीक है, तुम्हारी बात हम मानते, अल्लाह नियत देखता है, तो अल्लाह जब तुम्हारी नियत ही है कि हमें सीखना ही नहीं है कुरान, कौन इतना वक्त बर्बाद करे, तो आपको उंगली फेरने पे सवाब मिलेगा? ये फतवे दिए गए बाकायदा।
قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگیں تو کیا کہے گا، کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا؟ کیوں کہہ رہے قرآن پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں، تم کب سے پوچھنے لگے ہو؟ یہ بات قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں، جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو۔ پڑھیے پوری زندگی، سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے۔ جنگ بدر کا وہ معاملہ دیکھو، 313 مسلمان نبی کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق کا بیان ہے، بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا۔ 313 مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور 1000 کافروں کو دیکھتے، ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے، ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے، کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے، ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے، ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تہلک ہاذہ العصابۃ، ان تہلک ہاذہ العصابۃ لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ یہی مٹھی بھر جماعت میرے پاس ہے، یہی پکے سچے مسلمان ہیں، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت چلی گئی، یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے، آج یہ مار دیے گئے، آج یہ ہلاک ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہیں لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک وفد آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے میسج بھیجا، پیغام دیا، اے اللہ کے نبی آپ کے نوازے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر میں آ جائیے، اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں، میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جس حال میں بیٹھے ہیں اسی حال میں آ جائیے، ایک نظر اپنے نواسی کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی اسی حال میں اٹھتے ہیں، چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں،
और अपने बेटे को या बेटी को अल्लाह के नबी की गोद में देती हैं। अय अल्लाह के नबी, अय अब्बू जान, अपनी नवासी को अपनी गोद में ले लीजिए, मेरी फूल सी बच्ची को अपनी गोद में ले लीजिए और इसके ऊपर दुआ पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आपकी दुआ, आपका दम मेरी बेटी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। हजरत ज़ैनब अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी बेटी को अल्लाह के नबी के हाथ में देती हैं और उस बच्ची के नाना ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद ऐसा लगता है कि नवासी नाना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कपकपाते हुए हाथों से ज़ैनब ने अपनी बेटी को छोड़ा और बेटी नाना के हाथ में आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आई, जैसी हाथ में गई वैसे ही उसकी रूह भी निकल गई, कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब की बेटी का इंतकाल हो गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं। वहां कमरे में जितनी औरतें बैठी थी ये मंजर देख कर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो वो भी रो रहे हैं। आह, नबी अकरम की आंखों में भी आंसू डुबडुबा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को रोते हुए आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह की अमानतें थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मरने के बाद उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। जब सारी औरतें रो रही हों, ज़ैनब रो रही हों, बड़े बड़े सहाबा का दिल रो रहा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा हो और उस वक्त सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से जोड़ रहे हों, ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई नबी किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। अगर जिंदगी बख्शने की ताकत होती तो ज़ैनब की बेटी को जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह बख्श देते, लेकिन नबियों के हाथ में नहीं है। खुदा आपने अपने 1.5 साल के 18 महीने के बच्चे इब्राहिम को, मारिया किप्तिया के बदन से पैदा होने वाले बेटे को आपने अपनी गोद में लिया जब उसकी सांसें उखड़ रही थीं, और इब्राहिम इंतकाल कर जाता है नबी की गोद में। आपने बिस्तर पे इब्राहिम को लिटाया, बिस्तर पे लिटाया और लिटाने के बाद जो जुमले कहे वो इमाम बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइस के अंदर दर्ज करते हैं, इन्नल आइन तदमऊ वल कल्ब यहज़ुन। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नकूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपनी जबान से ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हम ऐसे जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन वो इन्ना बिफिराकी का या इब्राहिम ला महजून नून, लेकिन मैं गमगीन ज़रूर हूँ तेरी जुदाई से। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे के इंतकाल पर ये जुमले कहे हैं। ये हदीसें हमें बतला रही हैं कि कोई ताकतवर नहीं है, ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात। तो ये तौहीद थी जिसके साथ समझौता नहीं किया अल्लाह के रसूल ने। आप याद करिए उस वक्त को, सुलह हुदैबिया का वाकया आया मंजर, तो आपने काफिरों की नाजायज शर्तें भी मान ली, ठीक है चलो नहीं इस साल उम्र नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे, अच्छा चलो ठीक है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दूंगा, अच्छा ठीक है, तलवार मियान में रखोगे बाहर नहीं, चलो ये भी ठीक है, मेरा आदमी आपके पास जाएगा आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा हम वापस नहीं करेंगे, चलो ठीक है। सारी शर्तें मान ली आपने, नाजायज शर्तें भी आपने मान ली, अपना मामला आया तो आपने समझौता कर लिया। लेकिन यही काफिर कभी इस समझौते पर आए थे, अय अल्लाह के रसूल एक कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं क्या,
छह महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लो और छह महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं, छह महीने आप हमारे झूठे खुदाओं को मान लो और छह महीने हम आपके रब को, ऐसा करो छह महीने हम नमाज पढ़ लेंगे, छह महीने हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और छह महीने आप हमारे रब की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और कुरान की यह सूरत नाजिल होती है, नहीं कह दो ऐ काफिरो ला अबुदु मा ताबुदुन, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और सब कुछ कहने के बाद क्या कहा, नहीं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर रहो मैं अपने दीन पर, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। पता क्या चला, तौहीद के साथ एकेश्वरवाद के साथ समझौता नहीं। इसीलिए ये खूबी तौरात में भी है, जबूर में भी है, इंजील में भी है, वेदों में भी है।